भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। Bye.
हर सिमरत बिन से
सब दुख, हर सिमरत बिन से सब दुख, हर सिमरत बिन से सब दुख। गुरपुरा मेरा गुरपुरा, गुरपुरा मेरा गुरपुरा, पूरा गुरपुरा नानक जी, बाबा नानक जी, बाबा नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन मेरे नानक, 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 धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन मेरे नानक, 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 धन मेरे नानक। गुरपुरा मेरा गुरपुरा, 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 पूरा गुरपुरा। आनंद करो मेरे पाई, आनंद करो मेरे पाई, गुरपुरे सब चिंत मिटाई, गुरपुरे सब चिंत मिटाई, गुरपुरे सब चिंत मिटाई, गुरपुरे सब चिंत मिटाई। आठ पहर प्रभ का जप जाप, 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 नानक राखा हो आप, नानक राखा हो आप, नानक राखा हो, नानक राखा हो आप, नानक राखा हो आप। गुरपुरा मेरा गुरपुरा, गुरपुरा मेरा गुरपुरा, पूरा गुर।
नानक जी धन गुरु नानक जी धन गुरु नानक जी धन गुरु नानक जी धन मेरे नानक 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 बोल साढ़े हिरदे तो निकलन हिरदे तो हिरदे तो निकलन केवल जबान तो नहीं आंदरा तो निकलने बोल आंदरा अंदरला मंदा होवे मेरा अंदरला ए मंदा होवे कि मेरे गुरु पूरे ने आखो सतना पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नानक पूरा पाया पूरे के मेरे गुरु नानक पूरे ने सच्चाई है वेखण वाली अख मिल जाए सन रब किते दूर है गुरु नानक दूर है बोलिया रब तेरे को वख नहीं वेखण वाली अख नहीं है को सतना असी तो सारी जिंदगी भटकते रहे सच्चे दा लड़ छड़ दिता ते झूठ दे नाल ग्रसे साच छोड़ झूठ संग मचा जो छड़ना सो अस्थिर कर मान जो होवन साड़ी हालत आ साड़ी हालत है सत्संग जी अरदास करिए गरीब निवाज सानू वेखण वाली अख मिल जाए दुनिया रोला पांदी गुरु नानक डुब गए दुनिया रोला पांदी भजे भजे आए बेबे नानकी कोल नानकी तेरा वीर डुब गए तेरा वीर डुब गए कई रोंदे कई कुरलांदे नानक डुब गए बेबे नानकी पूरे अकीदे पूरे विश्वास बड़े प्यार चे बेबे नानकी जी ने समझाया केंदे ओ भोलियो किनू कह रहे हो डुब गए किनू कह रहे बेबे तेरा वीर डुब गया नानक केंदे ओ भोलियो ता डुबिया नू तारण वास्ते आया है डुबिया नू तारण वास्ते आया है ओ कदे नहीं डुब सकते आखो सतना असी वेखिया
वो कहिंदे असी वेख्या है नानक जी वही दे विच गए ने नदी च गए ने मुड़ बार नहीं आए बार नहीं आए। बेबे जी कहन लगे ये चोज है उन्हां दा तुहाडी निगाह दे विच तुहाडी निगाह दे च हले गुरु पूरा नहीं कहते ओ किधरे मेरी निगाह नाल वेखो मेरा नानक आप रब है आखो सतना आप रब श्री अकाल आ अखियां मिलन सानू नहीं मनिया बेबे नानकी ने नहीं मनिया लख जोर ला लिया सारे ने नहीं मने जदों परमेश्वर दी बारगाह च पहुंचे पूरी तरह निवाज के जदों पार ब्रह्म परमेश्वर भेजन लगे ते क्या सी कहिंदे नानक असी पार ब्रह्म परमेश्वर की कहिंदे कहिंदे नानक असी पार ब्रह्म परमेश्वर ते तुसी गुर परमेश्वर आखो सतनाम असी पार ब्रह्म परमेश्वर तुसी गुर परमेश्वर साडे तक पहुंचण वास्ते तुहाडे तो हो के लंघना पेगा आखो सतनाम तुहाडे तो हो के आना पेगा साडे तक पहुंचण लई माण ना करी एक ते हाथ रख के गल करियो एक और ये मान महसूस करियो सचे पातशाह सानू पूरे दे लड़ लाए एक ते हाथ रख के मान महसूस करियो कि मेरे सतगुर पूरे ने किवे सतगुर जी कहिंदे आओ गुर पूरा मेरा गुर पूरा 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 बोलो गुर पूरा ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ 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 ਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਿਆ ਪੈ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਿਆ ਪੈ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਿਆ ਪੈ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ 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 ਹਮ ਪਾਪੀ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰੇ ਮੇਰੇ
प्रीतम प्राण सतगुर गुर पूरा मेरे प्रीतम सतगुर गुर बाबा नानक जी 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 धन गुरु नानक 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 बाबा नानक धन 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 बाबा मेरा गुर पूरा सुख दाता मेरा गुर मेरा गुर पूरा सुख दाता मेरा गुर पूरा सुख दाता करण कारण समरथ स्वामी करण कारण समरथ स्वामी करण कारण समरथ स्वामी पूरन पुरख विदाता पूरन पुरख कौन गुरु नानक मेरा गुर पूरा सुख दाता 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 बाबा नानक जी 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 धन गुरु सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हम मुए जीवे हर जपबा हम मुए जीवे हर जपबा हम मुए जीवे हर जपबा हम मुए तन गुरु गुर सत गुर पूरा तन गुरु गुर सत गुर पूरा बिख डुबदे बांदे कडवा बिख डुबदे बांदे कडवा बिख डुबदे बांदे कडवा बिख डुबदे बांदे कडवा हम मुए जीवे हम मुए जीवे हम मुए जीवे हर जपवा हम मुए जीवे हम मुए जीवे हम मुए जीवे हर जपवा हम मुए जीवे हम मुए जीवे हम मुए जीवे
खासियत रही है गुरु नानक साहब जी की, यही तो खासियत रही गुरु नानक साहब जी की, जेड़े अंदरों सुक चुके मुरझाए पे मर चुके कलपते पे ने झूटते पे ने सड़ते पे ने, महाराज नाम दा छट्टा मार के हरियावल कर देंदे ने, सतनाम हरिया कर देंदे, जीवा देंदे ने जीवा देंदे ने, आखो सतनाम मैं प्रसंग पढ़ता पिया सी और मैं हैरान हो गया, गुरु नानक साहब किथे किथे गए और किधे किधे ते जाके नाम दा छट्टा लंघदिया लंघदिया धन गुरु नानक साहब महाराज जगत तारदिया तारदिया एक पहाड़ी टापू ते पहुंचे, पहाड़ियां सन बड़ी रमणीक स्थान सी, रमणीक स्थान, थोड़ी जी अगे नगर सी, साहिब कह लगे कहते मरदानिया बहुत रमणीक स्थान है, आ बैठिए इबादत करिए, मरदाना जी ढिड खड़कान कहते महाराज तीन दिन दे तोरिया पिया जी, जिक्र जे लिखिया तीन दिन दे कहते तोरिया पिया, कुछ छकन वास्ते दिता नहीं, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਸ ਬਲਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਗੰਭੀਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਡੇ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਡੇ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਗਰ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੀ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੌਡਾ ਭੁੰਨਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਊ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਊ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਊ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਦੋਨੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ, ਰਾਕਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਸ ਬਲਾਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ਸ਼ੀ ਸੈਨਾ, ਰਾਕਸ਼ਸ਼ੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੀ ਦੇਵਲੂਤ, ਦੇਵਲੂਤ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੈਨਾ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਲੂਤ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸ ਦਾ ਮਾਸ ਮਿਲਿਆ,
मानस इथे मिलिया मनुख मिलिया सा कहिंदे ओ भी एक नहीं दो नहीं तीन 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 बंदे भेजे कहिंदे जाओ फड़ के लियो अज इन्हां नूं रिण के ही खावांगे आको सतनाम अज इन्हां नूं रिण के खावांगे ओ तीन राक्षस सतसंगत गए ते जदों महाराज दे नेड़े पहुंचे जदों महाराज दे नेड़े ते मर्दाना जी कहण लगे कहिंदे बाबा हुण नहीं बचदे कहिंदा तुसीं नगर च भेज रहे सी आ लो यमदूत नाल ही आ गए ना ही लिया ते यमदूत आ गए महाराज हुण नहीं बचदे महाराज हसण लगे कहिंदे मर्दानिया तू बस करतार करतार करी जा खो सतना तू करतार करतार करी जा देख करतार दे रंग महाराज वो तो नेड़े आ रहे ने सानू फड़न खातर वो नेड़े आ रहे महाराज तू करतार करतार कर जमदूत ना आवे नेड़े आखो सतना जदों सत्संग को तीनों नेड़े आए ना महाराज दे नेड़े ते बिलकुल अखां तो अन्ने हो गए अखां तो अन्ने हुण नजर ही कुछ ना आवे जदों कदम पिछे कर पिछे मुड़दे ने ते नजर आंदा है अगे वेखदे ने महाराज वल नजर कुछ नहीं आंदा दौड़ा है दौड़ा है ते देव लूत नूं कहण लगे कहिंदे राजन भई ओह तां कोई मायावी है असीं तां इदां समझदे सी मानस है चुक के लियावांगे फड़ के बन के लियावांगे ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਲੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਾਕਸ਼ਸ ਕੁਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੋਰ ਭੇਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਏਦਾਂ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੀ ਟੋਲੀ ਭੇਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੇਵਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਆ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਬਈ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦੀ ਟੋਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਟੋਲੀ ਲੈ ਜਾ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਕੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਲ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਵਾਨ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਕੜਨ ਚ ਆਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ
अगर कोई गुरु नानक तक पहुंच सकता है तो प्रेमा भगती च पहुंच सकता है। कोई कवे मैं बल ते छल दे नाल पहुंचा, कोई कवे मैं दान पुन दे नाल पहुंचा, कोई कवे मैं कर्म कांड नाल पहुंचा, नहीं पहुंच सकोगे। गुरु नानक तक पहुंचण दा एको एक जरिया जे जो श्रद्धा कर सेव दे गुर। महाराज कोई बड़ा शक्तिवान लगता है, पातशाह मुस्कुरा पे कहते मरदा लिया ये बहुता शक्तिवान नहीं, ये श्रद्धावान है। आई गया आई गया, महाराज दे कोल आ गया, इहदियां अखां दी रोशनी सलामत। जदों इहने वेख्या कि भई सामने दीदारे की चरना ते मथा रखिया, उधरों देवलूत वेखदा पिया कहिंदे हद हो गई, मेरा वजीर उहनां दे चरनां ते मथा रखदा पिया। ते जदों मथा चकिया ना जी, चरनां नाल जदों मथा स्पर्श होया, एक करंट जा दौड़िया, करंट सिर दी खोपड़ी तो लैके पैर दे नूं तक एक चरनाहट हुई। ते जदों सिर चकिया हुण झीर नहीं चली जा रही, हुण वेख्या नहीं जा रहा, सतगुर अखा नीवियां कर ते ऐदा हाथ जोड़े कहिंदे पातशाह साडियां भुल्लां बख्श दे, साढ़े राजे कोलों वगिया होई आप जी सर्व कला संपूर्ण हो, गरीब नवाज आ कृपा करो सानू दसो आप जी का भला नाम की है, आप जी का भला नाम की, कितों आप जी आए ते किथे दियां तैयारियां। ये तो समझ लग गई कि कोई कलावान हो मालक हो, पर आप जी का भला नाम। बाबा नानक कह लगे कहते साडा नाम नानक निरंकारी, आखो सतनाम, कहते साडा नाम नानक निरंकारी। महाराज कह लगे कहते वैराग दे विच अपनी मौज दे विच विचरते, मौज दे विच विचरते। गरीब निवाज जे आप जी की आग्या होवे तो मैं अपने राजे नूं आ सारा कौतक दस। महाराज कहते ज्यादा सर। हुण जदों ओ देवलूत कोल आया ना, कहते राजा साडे नगर दे विच ओ हरी दा रूप आए ने, जिहड़े सामने बैठे नहीं ना, सामने ओ हरी दा रूप धरती ते धार के कहते साडे नगर आए नहीं। कहते राजन कोई अवग्या ना कर दी, वजीर अपने राक्षस राजे नू देवलूत नू कह रहे कोई वग्या ना कर दे, मेरी मन तू भी चरना ते नमस्कार कर दे। देवलूत कहण लगा कहिंदे हद हो गई, कहिंदे मैं देवलूत राक्षसां दा राजा, राक्षसां दा राजा, कहते मैं चुक जावा, मैं चुक जावा, कहते कदे नहीं हो सकता। कहते पूरी सेना एक बारी धावा बोले, कहते ऐदा ही चुक के ले आवांगे। कहते तू वेख तो सही, तू वेख तो सही, बल दे नाल, बल दे नाल कहिंदे इन्हां नूं चुक के ले आवांगे। कहते महाराज मेरी बेनती है आ कम ना करो, आ कम ना करो। ते राजा कहन लगा, देवलूत कहता है ये मेरा तैनू हुक्म है, तू भी साडे नाल चल, तू भी साडे नाल चल, आप चढ़ाई करांगे ना। हुण वजीर सी राजे दा हुक्म मन, अपनी सवारी ते चढ़िया ते अरदास कीती, कहिंदे महाराज मैनू बख्श लै, मैं हुक्म दा बच्चा होया, ये मेरे मालक ने, मैं हुक्म दा बंदा, मैनू उन्हां दा हुक्म मनना पेगा, महाराज मैनू बख्श लै। हुण सुणियो साहिब, सारे तगड़ तगड़ करदे आंदे, हू हल्ला करदे आंदे, बई हुणे चक लांगे इन्हां नूं तिन्नां,
महाराज मुस्कुराने लगे। बाबा मरदाना जी कहते कहते महाराज लो हुण आ गई पूरी सेना। एक नहीं सामिया जाता सी हुण पूरी सेना। महाराज कहने कहते वेखी चल मरदानिया वेखी चल। जदों सारी सेना सासंग नेड़े पहुंची सारे ही अन्ने हो गए। एक खाली उस वजीर नूं छड़ के ओ वजीर नूं छड़ के सारे अन्ने देवलूत हुण अगे पिछे वेखदा नजर ही कुछ नहीं आ रहा। हुण सारी सेना पिछे आउंदी तां वी नजर नहीं आ रहा जी। अगे सी ना कि तीन तीन दा जत्थे जा रहे ने ते जदों वापस आ रहे नजर आ रहे अगे जांदे नजर नहीं। ये जो हम पिछे आते हैं तो भी नजर अन्ने ही हो गए। नजर खाली आता पे एक वजीर आखो सतना वजीर आओ नाल नाल पढ़ी करो जी कर गुरपुरा मेरा गुरपुरा गुरपुरा मेरा गुरपुरा पूरा गुरपुरा मेरा धन बाबा नानक धन बाबा धन मेरे नानक धन मेरे नानक धन मेरे मैं मूर्ख की केतक बात है मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरे आरे कोट पराधी तरे न पर यारे से फिर कर वास 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 न पर यारे गुरपुरा मेरा गुरपुरा गुरपुरा मेरा गुरपुरा पूरा गुरपुरा मेरा गुरपुरा गुरपुरा मेरा गुरपुरा। और देवलूत चीका मारदा कहते वजीर मेरी अखां दी रोशनी गई मैं अन्ना हो गया तू दस तैनू नजर आ रहा। वो कहिंदे महाराज मैनु तां सब कुछ नजर आ रहा तैनू नजर आ रहा मैनू क्यों नहीं नजर आ रहा। कहिंदे जी तुसी अशर्तक बन के आए
मैं शरदा धार के आया आखो सतनाम। तुसी मारन लई आए, तुसी बाबे नानक नू मारन लई आए, कहिंदे मैं बाबे नानक दे अगे मरन लई आया आखो सतनाम। कहिंदे इस लई तुसी अंधेरे दे विच आ गए ते मैं अज भी प्रकाश दे विच हां, मेरिया अखियां दे विच भी प्रकाश है, मेरे हिरदे विच भी प्रकाश है, अखां दे अगे भी हनेरा आ गया तुहाडे ते हिरदे विच ओह तां पहले तो हनेरा है। कहिंदे महाराज हाले भी समा है, जदों इन्हां कहा ना हाले भी समा है, ते हाथ जोड़े देवलूत ने राजे ने, कहते वजीर कह कह अपने नानक हुण इदा इदा कहते कह अपने नानक नू साडी भुल्लां बख्श देण, साडी भुल्लां बख्श देण, जेड़े नजर गई वह वापस कर देना को सतनाम, जेड़ी नजर गई वापस कर। देवलूत की जदों बेनती सुनी वजीर ने ते वजीर गया गुरु नानक साहब के चरणों च, महाराज कृपा कर हुण दीन होके आया है, उतां नहीं कि भाई मान सम्मान च, हुण दीन हो गया, हुण नीवा पै गया है महाराज, हुण करो कृपा, हुण जिहड़े अंधेरे पए ने दूर करो। पातशाह कहण लगे कहिंदे कह इहनूं अखा मल्ले ते खोल देवे आखो सतनाम, अखा मल्ले ते खोल देवे ते खोलन सार बोले सत करतार, सत करतार। सत श्री अकाल बोले इनू कवे सत करतार, जितने इहदे पिछे ने सारिआं नू बोल बोल ए बोलन सत करतार, सत करतार कह के अखा मल के खोल दे। जदों देवलूत दे कोल ए आया वजीर कहिंदे महाराज नानक जी कहिंदे ने सत करतार कह के अखां मल के खोल दे अंधेरा दूर हो जाए। अच्छा अखां मलियां ते क्या सत करतार, जदों सारे बोले सत कर एक गूंज उठी जी सत करतार, राक्षसां दे मूहों सत करदार दा नाम उठदा पिया को सतनाम। कहांगे की नहीं सत संग गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर, गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर, गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर, गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर। हम मुए जीवे हर जपबा, 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 गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर 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 हर। गुरु जी ने हरि दा नाम, करतार दा नाम, वाहिगुरु जी दा नाम सारे राक्षसां कोलों जपाया और गूंजा पा के जदों जपया तो सारिआं दी अखां रोशनियां आ गईआं। देवलूत अपनी सवारी तो उतरिया, ठा चरणा ते मथा रख दिता, चरणा ते मथा रख दिता, महाराज साडियां भुल्लां बख्श, साडियां भुल्लां बख्श। गरीब निवाज भटके होए सन, राक्षसी जून च हां, साडी कुल पिछों ही राक्षसी तुरदी पी, राक्षसी कुल च साडा जन्म, उदां दा साडा आहार, उदां दी साडी सोच, उदां दा साडा वर्तन। हुण कृपा करो साडे महलां च चरण पाओ आखो सतनाम, साडे महलां च चरण पाओ। महाराज कहण लगे भाई हुण सब नूं नजर आ रहा है, इदां कहिंदे कहते हूं सबनों नजर आ रहा है। एक आवाज उठी जी
आप जी की कृपा है, ध्यान देना, आप जी की कृपा है। कर्मा वाले हो सतगुरु मिले अंधेरा जाए, अंधेरा जाए सतगुरु मिल पे ना चरना ते ढह पे अखां दे हनेरे ते दूर होए होए ओए मन दे हनेरे भी दूर हो गया तो सतना सत श्री अकाल। मन भी रोशन हो गया, मन विच चानण आ गया। किवें कहिंदे साहिब सतगुर मिले अंधेरा जाए, 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 जै देखा तै रहा समाए, 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 सतगुर मिले अंधेरा जाए, सतगुर मिले अंधेरा जाए, सतगुर मिले अंधेरा जाए, हनेरे दूर मन दे हनेरे भी दूर, अखां विच भी चानण आ गया, मन भी रोशन हो गया। हुण देव लूत जिहड़ा राजा सी राक्षसां दा हाथ जोड़े कहिंदे महाराज महलां दे चरण पाओ, महलां दे चरण। महाराज कहिंदे आए ही तेरे खातर, इथे इनी दूर आए ही तेरे खातर, देवदूत चल किथे लेके चल रही। और महला च जदों बिठाया बड़ी सोहनी बिछाई की, ते पहले ही दो चार भेजते राक्षस कहते फटाफट जाओ घरों जिन्ना मास शराब सब पासे कर दे, सब मास शराब पासे कर दो, सतगुर आ रहे ने आखो सतनाम। वो देखो एक राक्षस नूं भी सोझी पै गई, राक्षस नूं भी सोझी पै गई कि सतगुर आ रहे ने, मां शराब सब पासे कर दिओ। वो चार पंज राक्षस भजे ते शराब ते मां सब इधर उधर करता कि महाराज आ रहे। एक राक्षस नूं सोझी पै गई, सानू नहीं सोझी पई, आखो सतनाम। सानू साडे घरां च अज भी मास ते शराब चलदा, उन्हां घरां विच कई घर साध संगत श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश होता, प्रकाश उथे ही मास रहने आ जाते, उथे ही शराबा चलती, कोई जवाई भाई आ गया, कोई फलाना आ गया, उथे किथे लेखे देंगे। असी तो इन्होंने राक्षसों तो भी साध संगत मतलब माड़े हो गए, नीवे हो गए, नीवे किथे लेखे देंगे। देव लूत इनी सोझी आ गई कि गुरु नानक मेरे महलों च आ रहे ने, यह मां शराब जिहड़ी साडा भोजन है इहनू पासे कर दिओ, असी सत्संग ऋण दे नहीं बख्शे जावांगे, सास नहीं बख्शे। जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश है, जिथे सतगुरु जी ने, यह असुरी भोजन है, राक्षसी भोजन है, यह नहीं होना चाहिए। असी पुणे गए, पुणे किसी के घर जाने का समा मिलिया सा, ओए होए मैं कहना कन्नी हाथ ला के कन्नी हाथ, उन्होंने घर असी गए ना, तो सानू सीधा महाराज के कमरे लै गए, कहते जी आ देखो साडा महाराज का कमरा। महाराज जी विराजमान सन, छोटा जा कमरा सी जी, दो बंदे भी तीन बंदे फस के बैठे। मैनू कहते दसो जी कि कमरा बने, और मैं की बोला, मैं जी पूरा अदब नहीं है, पूरा अदब नहीं।
महाराज वास्ते पलंगा भी चाहिए, महाराज वास्ते सोना आसन चाहिए, और कमरा इन्ना कु तो होवे 5-7 शरीर बह जाए। चलो हुण दास ने अपने वालों जिहड़ा समझाना सी वो समझाया, असी मथा टेक के बाहर आए ना, जिवें मैं बाहर निकलिया तो ठीक सामने है इत्थे महाराज का कमरा, ठीक सामने सत्संग बार बनाई हुई है, मैं खाना बनाया होया शराब खाना, वो तुहाडा भला हो जी। मैं वेख के हैरान, मैं कि ये की है, ते इदां दियां बड़ी फैंसी जिया कुर्सियां उपर जिया बार जहा इदां बनाया होया पूरा, है जी, ते कहिंदे इत्थे बह के असीं झूठ झूठ के पीने। मैं इदां मत्थे हथ मारिया, मैं कहा तुहाडा भला हो जी, ओ सामने गुरदेव ते सामने मैं खाना। मैं कह जी अंदर तो मैं क्या सी भी इनू ऐदा ठीक ऐदा, मैं कहा प्यार नाल बोलिया, पर इत्थे तो तुसी हुण हद ही टप गए। मैं कहा सरदार जी एक बेनती तुहाडे चरणे च, हुण गुरमुखां दे चरणां च मैं बेनती की, मैं कहा जां तां इह मैं खाना चक दिओ जां पातशाह नूं अदब सत्कार दे नाल गुरद्वारा साहब रुखसत कर दिओ। महाराज का जिहड़ा स्वरूप है गुरद्वारा साहब, मैं कहा सरदार जी यह कुकर्म ना करो, मैं कहा रब का वास्ता जे कुकर्म ना करो, यह कुकर्म किथे लेखे दोगे। मैं खाली एक भावना बनाओ, जे बाजा वाले तुहाडे घर बैठे हो ध्यान देना, फर्ज कर साडी भावना नहीं बनती ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ते, जे भावना आ बन जाए कि मेरे बाजा वाले बैठे उस घर च शराब रहेगी, उस घर से मास आएगा, इनिया पैनिया इनिया पैनिया ना सतगुरां कोलों कि बंदा ना इत्थे मूंह दिखाण जोगा ना उत्थे मूंह दिखाण जोगा, कमाल हो। मैं कहा सरदार जी आ गुनाह ना, वो बेचारे चुप, वो सोचते होंगे चंगा प्रशादे से बुलाया, चलो असी प्रशादा छकिया जिते रिहायश से चले गए। 2-3 साल बाद असी फिर जो गए ना पुणे ते सानू फिर उन्होंने इनवाइट किया। मैं कहा लगता है असर हो गया होना, मैं खाना चकता होएगा, आखो सतनाम, मैं खाना चकता होएगा, वो जरा शराब शुरू पई दारू दूरू सब चकती होनी, तो मैं जो जाके एंटर होया वो काली पुठी हुई भी, मैं खाना उत्थे ही है सतगुरु जी उतों बार ने, आखो सतनाम सतगुरु जी। मैं गया आ की कीता जे आ की कीता, कहिंदा जी ओ आया गया बड़ा होंदा जी एदां जी ओदां जी इंज जी ओंज जी। मैं कहा देखो अज दा सिख कित्थे सत्कार लैके बैठे, किहड़ा सत्कार लैके बैठे, अपने घरां च असूरी चीज राक्षसी भोजन ना वाड़िया करो, ये आंडे ये मास ये शराब, जिथे इन्हां चीजां दा सत्संग सेवन होंदा उत्थे फिर असूरियां शक्तियां ही होंदियां, भोजन है ना उन्हां दा भोजन, आपे ही कला कलेश सत्संग दौड़दे आंदे ने, आपे ही असूरी शक्तियां दौड़दियां आंदियां घरे च ते डेरा ला के बह जांदियां। शुद्ध भोजन घर होवे, 36 पदार्थ गुरु नानक दे रब ने सानू दित्ते ने खाण लई, हुण ये देवलूत ध्यान देना, ये देवलूत नूं इन्नी सोझी आ गई कि महाराज हुण महलां नूं चले ने, 4-5 दैंत भेजे कहिंदे ओए सब चक दिओ, मास मूस शराब सब चक दिओ, ऐ जगह साफ कर दिओ फटाफट, ते ये महाराज दे नाल आ रहे हैं जी। और जदों महाराज नाल पहुंचिया सोहणी विछाई कीती हुई है, महाराज जी बैठो, महाराज वास्ते फल लियांदे मेवे लियांदे ते नाल होर पदार्थ जिहड़े छकण वाले पदार्थ वो सामने रखे, कहिंदा महाराज जी रसना नूं लाओ, ये देवलूत राक्षसां दा साध संगत राजा, ये कहण लगा कहिंदा महाराज रसना नूं लाओ, इदां हथ जोड़ के खड़े। महाराज कहिंदे देवलूत उदों तक तेरा भोजन
प्रवान नहीं करांगे जब तक तू साडे नाल दो बचन ना करे। दो बचन महाराज केड़े बचन? कहते दो बचन। ये वादा कर साडे नाल कि दो बचन साडे मनेगा। महाराज हुक्म तक महाराज कह लगे कहते पहला बचन, पहला मास शराब एक घरों बाहर कढ़ दे, ये नहीं छकना। जी हत्या कर दे हो, बहुत पाप सिर ते चढ़ा रहे हो, कहते मुक्त नहीं हो सकोगे, अपने सिर ते पाप चढ़ा रहे हो, ये मास ते शराब इनू दूर कर। ते दूजा परमेश्वर का नाम अपने जीवन दे विच ले आओ। आखो सतनाम, परमेश्वर का नाम अपने जीवन च। महाराज राक्षसों की टोली नू ए समाप्त दे रहे ने, ते जदों देवलूत ने सुनिया ना उन्हें हाथ जोड़े कहते महाराज असी राक्षस कुल दे हैं, साडा भोजन मास ते शराब साडा भोजन, असी किवें रह सकते हैं? कहते क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? बड़े बड़े पदार्थ होर छकन वास्ते निरंकार ने पैदा किए, कहते वो तू ही छक सकते, वो छक सकते हो तुसी। कहते महाराज राक्षस कुल तो हास। दूसरा जिहड़ा तुसी नाम कह रहे हो ये तो दूर दराडे तक साडे साडे कदे दादे पड़दादियां दे भी कुलां तक कदे नाम नहीं। ते महाराज मुस्कुरा पे कहण लगे तुहाडा ही कुल सी ना हरनाकश दा, राक्षसी कुल सी ना, उहदे घर प्रहलाद ने जन्म लिया। ये गुरु नानक साहब देवलूत नूं समझा रहे, कहिंदे तुहाडा ही कुल सी ना राक्षसां दा हरनाकश दा। कहिंदा जी मां साडे कुलां चों सी हरनाकश। कहते तैनू नहीं पता उहदे घर एक देव रूह आई प्रहलाद? कहते हां जी सुने। कहते ना वह खांदा सी मास ते ना पींदा सी शराब, सी राक्षस कुल दे विच, सी राक्षस कुल। ते कहते इन्ना परमेश्वर का नाम जपया, इन्ना परमेश्वर का नाम जपया कि परमेश्वर दे नाल एक मिक हो गया। एक जे ओ मास शराब नहीं खा सकता ते तुसी भी नहीं खा सकता, जे ओ नाम जप सकता ते तुसी क्यों नहीं जप सकता, तुसी क्यों नहीं जप सकता? फिर महाराज ने एक दूजी मिसाल दी, एग्जाम्पल। कहते देवलूत रावण भी तो राक्षसी जात का सी ना, तुहाडे कुल विचों ही सी राक्षसी जात का रावण? कहिंदा जी महाराज। कहिंदा उहदा भरा विभीषण, भरा विभीषण कहिंदे ओह नेक रूह सी। कहिंदे राम जी ने रावण मारिया ते विभीषण नूं लंका का राज दिता, लंका का राज दिता, ते उन्हें सत्यवादी होके राज कीता। सत्यवादी होके एक राक्षस कुल च आके सत्यवादी राज कीता कि नहीं कीता? तेरिया कुलां चों तैनू मिसाल देंदे पए आं। हुण देवलूत दे खाने च गल पै रही है। हाँ भाई गल तो है, सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि साडी कुल दे विच ही प्रहलाद, साडी कुल दे विच ही विभीषण। महाराज कहण लगे तुसी प्रहलाद बन सकते हो, तुसी विभीषण वांग राज कर सकते हो। सत्संग जी, ये कौन कौन सिखिया दे, कौन सिखिया? मैं हैरान सी सत्संग जदों मैं ये कथा पढ़ रहा सी ना, आई वॉज टोटली शॉक्ड। मैं कहा वाह मेरे बाबा नानक, वो किथे किथे तुसी गए ते किन्नू किन्नू नाम नाल जोड़िया जे, किन्नू किन्नू किदे किदे अंदर नाम दा संचार कीता। बंदा छड़ो राक्षसां नूं भी नहीं बख्शिया जी महाराज ने, आपको सतनाम है जी। श्री अकाल। राक्षसां नूं भी नहीं छड़िया, प्रेतां नूं भी नहीं छड़िया, सत्संग उहनां तों भी नाम जपा लिया, राक्षसां कोलों नाम जपा लिया। आह ये मेरे गुरु नानक ने जी, ये मेरे गुरु नानक।
कहना पेगा कि नहीं कहना पेगा। सारे बोलियो गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर, 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 गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर। हम मुए जीवे 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 मैं कदों कदों मुए जीवे हम मुए जीवे हर जपवा 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 हर जपवा हर जपवा हर जपवा हर राक्षस कुल दे वेच सासंग जन्म लेने वाले मरे होए सन मरे होए अंदरों मरे होए पता ही नहीं नाम है कि ये बंदगी है कि कोसो दूर नाम तो भजन तो बंदगी मास शराब जिना दा आहार बाबा नानक क्या पहुंचे नगरी उना दे सासंगत ओहो देवलूत ना बोलता होएगा देवलूत बावा चक चक के बोलता होएगा हम मुए जीवे सानू मरियानो गुरु नानक ने जवाता जी मरियानो जवाता पशु परेत मुगद को तारे पशु परेत मुगद को तारे पशु परेत मुगद को तारे पशु परेत मुगद को पाहन पार उतारे पाहन पार उतारे पाहन पार उतारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहारे नानक दास नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहार नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलहार गुरपुरा मेरा गुरपुरा गुरपुरा मेरा गुरपुरा गुरपुरा मेरा गुरपुरा
राक्षस राक्षस योनी नू समझ लग गई। उन्हां नू समझ लग गई असी इंसान सानू ना समझ लगे। देवलूत नू दो चीजां तों सात संगत आगाह कीता। पहला मास शराब छड़ जे साडे जीवन दे विच वी ए चीजां ने अज गुरु नानक दे नाम दे उपर त्याग दिओ। आखो सतनाम गुरु नानक दे नाम दे उपर छड़ गुरु नानक दे नाम दे उपर की आपां उगुण नहीं छड़ सकते कि मास नहीं छड़ सकते कि शराब नहीं छड़ सकते। ओए गुरु नानक खातर नहीं छड़ांगे ते किहदे खातर छड़ांगे। अज मैं सच कहिंदा बंदा इन्ने नीवे पत्थर ते जा चुका है इन्ने नीवे पत्थर। मैं क्या एक बंदे नू यार शराब छड़ दे शराब पींदा सी बहुत ज्यादा नहीं छड़ी। दो चार पांच बारी फिर मिले शराब छड़ दे नहीं छड़ी। अरसे बाद मिले मैं पूछया मैं क्या यार शराब कहना जी छड़ती ऐदा कहना छड़ती तुसी कहिंदे सी ना छड़ती। मैं चल शुकर है भई कहे ते शराब छड़ती ते दूजा कहण लगा कहिंदा कादी छड़ती जी ए तां डाक्टर ने छड़ाई है इन्हें आपे थोड़ी ना छड़ी है। ना तेरा भला हो जे हाजी मैं की कहिंदा डाक्टर कहिंदा हुण पीएगा ते लीवर खराब मर जाएगा। दास समझांदा रहा नहीं समझ लगी बाबे नानक दा वास्ता दित्ता नहीं समझ लगी। डॉक्टर ने टीका लाया मौत दा आखो सतनाम डॉक्टर ने टीका लाया मौत दा मर जाएगा हुण जे पीती आ छोटे छोटे तेरे न्याणे ने मर जाएगा छड़ती। लख लानत है साडे ते लख लानत है सात संग जी डॉक्टर दे कहे ते छड़ दांगे आ गुरु नानक जिहड़ा कहिंदे ने छड़ दे इहदी नहीं सुणदे जी गुरु नानक साहब दी नहीं सुणदे ते झोलियां गुरु नानक अगे अड़दे आ डॉक्टर अगे जाके अड़दे झोलियां डॉक्टर अगे आपां दाता मंगदे आ जे उहदी मन्नी जाईए झोलियां गुरु नानक अगे अड़दे आ ते मंदे पए आ डॉक्टरां दी। हांजी माड़ी गल आ हथ मन बेनती करन लगा दास ओ गुरु नानक दे नाम ते ही इह चीजां छड़ दी गुरु नानक दे नाम ते छड़ी ते दूजी चीज नितनेम समाज ओ देवलूत ऐदा हथ बन के खड़ा हुण सोझी पै गई सोझी पै गई कहिंदे वाह वाह गुरु नानक तुहाडा ढंग वाह साडियां कुलां दियां मिसालां दे के ओए मन जित लिया साडा आखो सतनाम साडियां कुलां दियां मिसालां दे प्रहलाद दियां विभीषण दियां वाह। महाराज कहण लगे कहिंदे तुसी हरनाकश क्यों बणदे तुसी रावण क्यों बणदे तुसी प्रहलाद बनो तुसी विभीषण बनो। उन्हें सत्यवादी होके राज कीता ते उन्हें भगत प्रहलाद ने इन्ना नाम जपिया कि हर हर जन तो एक वाली गल बन गई। हुण सत्संग देवलूत ने बाहां चक ली महाराज कहिंदे की होए कहिंदा महाराज आ चकियां बाहां प्रण करदा ते जितनी मेरी सेना जितनी मेरी फौज जितना मेरा कुल ये सारे प्रण करनगे। बाबा नानक जिस खातर तुसी इत्थे आए हो सानू तारण खातर कहिंदे अज तो बाद मास शराब भी बंद ते अज तो बाद परमेश्वर दे नाम दे नाल साडा नाता गंढिया गया। आखो सतनाम
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿਓ। ਦੇਵਲੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪ ਜਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਚੱਪਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਲੂਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਇਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਆਹ ਕਬਾੜ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸੋਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ, ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਈ, ਦੇਵਲੂਤ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਲਾਗੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲੱਗੀ ਸਮਾਧੀ। ਆਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਇਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਰਾਕਸ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਲਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਓ, ਰਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਨਾ ਹਲਾਓ, ਰਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਛੇੜੋ ਨਾ, ਰਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਦੇਵਲੂਤ ਦੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਠਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਠਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਦੇਵਲੂਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਧੋਤੇ ਧੋਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਧੋਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਏ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅੱਖ ਸਤਨਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਆਹ ਕਰਮਾ ਵਾਲਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਿਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕਣੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਣੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਣੀ ਕਣੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ
जप सदा सोहेले, राम नाम जप सदा सोहेले, राम नाम जप सदा सोहेले, राम नाम जप सदा सोहेले, सकल बिना से रोग कूरा, सकल बिना से रोग कूरा, सकल बिना से रोग कूरा, सकल बिना से साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों तख्त श्री केसगढ़ साहब के स्थान ते सजाए पंच प्यारे विचों पहले लाडले महान गुरसिख भाई दया सिंह दे नाम ते 1997 विच तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा ओट आसरा अते भाई साहिब भाई गुरिकवाल सिंह दी आसीस नाल सिख पंथ दी सत्कारयोग शख्सियत अते गुरु घर दे प्रसिद्ध कीर्तनीए भाई गुरशन सिंह जी ने कुछ सहयोगियों नाल मिलके भाई दया सिंह जी निष्काम सत्संग सभा लुधियाना दी स्थापना कीती। भाई गुरशन सिंह जी दा समुचा जीवन ही सेवा सिमरन मनुखता दे भले नूं समर्पित है। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे ओट आसरे सदका भाई साहिब जी भाई दया सिंह जी निष्काम सत्संग सभा राही सिखी अते धर्म दा प्रचार करके समूह सिख संगत नूं गुरबाणी अते शब्द कीर्तन राही गुरु चरण नाल जोड़ रहे ने अते तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा संदेश घर घर विच पहुंचा रहे ने। सतगुरु जी दी बख्शिश अते संगत तों मिले बड़बुल्ले सहयोग सदका भाई गुरशन सिंह जी भाई दया सिंह जी निष्काम सत्संग सभा राही समाज भलाई अते मनुखता दी भलाई लई अहम कार्य कर रहे ने। गुरु साहिब जी भाई साहब जी कोलों 3 हस्पतालां अते 2 अकैडमियां दी सेवा लै रहे ने जो वक्खो वक्खरे इलाकियां विच ने। भाई साहब ते उनां दे सहयोगियां ने सब तो पहला 2004 विच 379 शहीद भगत सिंह नगर पखवाल रोड लुधियाना विखे भाई दया सिंह चैरिटेबल हस्पताल यूनिट नंबर 1 दी शुरुआत कीती। इस तो बाद भाई साहब ने 2007 विच दूसरे हस्पताल भाई दया सिंह जी चैरिटेबल यूनिट नंबर 2 प्रेम विहार टिब्बा रोड लुधियाना दी स्थापना कीती। ए इलाका जो कि मेडिकल अते सेहत सहूलतां तो सखना सी भाई साहब ने संघ दे सहयोग नाल ए हस्पताल बना के गरीब अते लोड़वंद लोकां लई बहुत ही भले दा कम कीता। इत्थे हस्पताल दे नाल ही भाई दया सिंह जी कंप्यूटर अकैडमी अते भाई दया सिंह जी गुरमत संगीत अकैडमी दी स्थापना भी कीती। इत्थे विशेष करके नौजवान बच्चियां नूं गुरबाणी कीर्तन अते कंप्यूटर दे हर तरह दे कोर्सां दी विद्या दित्ती जांदी है। इस तरह इस संस्था विद्या दे खेत्र विच दाखिल हुई। भाई साहब ने गुरु साहब दी मेहर सदका यूनिट नंबर 3 समराला रोड नेड़े समराला चौक लुधियाना दी स्थापना मई 2011 विच कीती। इन्हां तिन्हां हस्पतालां विच बाकी हस्पतालां नालों बहुत घट रेटा ते सारे इलाज माहर डाक्टरां द्वारा लेटेस्ट मशीनां राही कीते जांदे ने। इन्हां तिन्हां हस्पतालां विच काफी दवाईयां फ्री भी दित्तियां जांदियां ने। तिन्हां ही हस्पतालां विच जात पात दे भेदभाव तों रहित हर गरीब अते लोड़वंद मरीज दा इलाज कीता जांदा है। इन्हां हस्पतालां दा मुख मंत्र भी है जो जी आए सो राजी जाए। इत्थे जिक्र योग है कि भाई साहब जी जिथे सारियां सेवावां संस्था दे मुख संचालक दे तौर ते बिल्कुल निष्काम कर रहे ने उथे उनां दी उपजीविका दा साधन अपनी खुद दी किरत है। भाई साहब जी LIC कंपनी विच इंश्योरेंस एडवाइजर दे तौर ते काम कर रहे ने। आप जी इस कंपनी विच MDRT दी डिग्री प्राप्त कर चुके ने जो कि लाइफ इंश्योरेंस दे खेत्र विच बहुत वड्डा मुकाम है। सतगुरु जी दी कृपा नाल इस प्राप्ति तो बाद आप जी हेल्थ इंश्योरेंस दे खेत्र विच ही दाखिल होए ने। इस खेत्र विच भी आप जी ने पूरी तनदेही नाल
मेहनत करके अपनी महत्वपूर्ण थां बनाई है। घर गृहस्थी चलाने वास्ते सतगुरु दी कृपा द्वारा इन्हां किरतां राही बहुत चंगी आमदन प्राप्त हो रही है। जो भी माया भाई गुरशरण सिंह दे कीर्तन राही जां होर किसी भी रूप विच कितों भी प्राप्त हुंदी है उसका एक एक दमड़ा आप जी की अमानत समझ के इन्हां सारियां सेवावां विच वरत्या जांदा है। इस संस्था नूं हर समय हर घड़ी हर पल आप जी दे निघे प्यार सहयोग अते असीसां दी लोड़ है जी। आप जी इन्हां मनुखता दीआं सेवावां लई अपना दसवंध इन्हां बैंक अकाउंटां विच जमा करवा सकते हो। अकाउंट भाई दया सिंह जी निष्काम सत्संग सभा दे नाम ते ने। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0642010000844 RTGS NEFT IFSC ICIC 0000642। दसवंध जमा कराने समय इन्हां फोन नंबरां ते अपने नाम अते पूरे पते दी जानकारी देना जरूरी है ताकि आप जी द्वारा भेजी गई माया दी रसीद अते सम्मान आप जी नूं भेजा जा सके। इस संस्था दे बधेरे जानकारी प्राप्त करने लिए आप जी www.paidayasinghji.com अते www.paigurshansinghji.com ते विजिट कर सकते हो। जो भी माया आप इस संस्था नूं भेजदे हो उसते आप जी इनकम टैक्स दी धारा 80 जी दे अधीन छूट प्राप्त कर सकदे। अगर तुहानूं इह वीडियो वधिया लगी है तां लाइक करो अते अग्गे शेयर जरूर करो जी।